सरकारी सीमेंट की कालाबाजारी करने वाले एक व्यक्ति को सुजानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला सुजानपुर के बल्ला राठिया वार्ड नंबर 6 का है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर सुजानपुर थाना प्रभारी सुभाष शास्त्री ने पुलिस टीम के साथ छापामारी की। इस दौरान घर के साथ बनी पशुशाला एवं उसके आसपास छानबीन के दौरान करीब 90 बोरी सरकारी सीमेंट गिरफ्त में लिया है। जानकारी के अनुसार विनोद कुमार के घर से यह सरकारी सीमेंट प्राप्त हुआ है। विनोद कुमार के यहाँ भवन निर्माण का कार्य चला हुआ है और शुक्रवार को ये कार्य बंद था। पुलिस को सूचना मिली कि निर्माण कार्य के दौरान सरकारी सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। सूचना पाते ही सुजानपुर पुलिस अलर्ट हुई और थाना प्रभारी की अगुवाई में निर्माण स्थल पर पहुंचकर छानबीन शुरू की। इस दौरान पुलिस को कामयाबी हासिल हुई और घर के साथ बनी पशुशाला एवं अन्य स्थान से करीब 90 बोरी सरकारी सीमेंट बरामद किया। इस मौके पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीमेंट की कालाबाजारी करने वाले व्यक्ति विनोद कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और सरकारी सीमेंट को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कार्तिकेन गोकुल चंद्रन ने समाचार की पुष्टि करते हुए बताया कि सुजानपुर पुलिस को सरकारी सीमेंट की एक बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है एवं पकड़े गए सरकारी सीमेंट को भी कब्जे में ले लिया है। मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।